नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों पर। हरदोई के बेटा गोकुल में चोरी के मामले में थाने के टॉप 10 अपराधियों से पूछताछ करने गए एक दरोगा और सिपाही पर अपराधी के परिजनों ने हमला कर दिया। सिपाही की वर्दी तक फाड़ दी गई, दरोगा से भी हाथापाई की गई। दरोगा की तहरीर पर 6 महिलाओं समेत 11 लोगों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने और मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। सभी आरोपी गांव से फरार हैं। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। देखिए, पुलिस के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें पुराने क्रिमिनल्स की वेरिफिकेशन की जा रही है। उसी क्रम में थाना बेटा गोकुल क्षेत्र में गांव पड़ता मोहनदीनपुर, उसमें पुराना अपराधी है, उसके वेरिफिकेशन के लिए पुलिस गई थी तो उसके परिजनों के द्वारा अभद्रता करी गई। उसमें पुलिस के द्वारा 10 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया। हरदोई में सीतापुर मार्ग पर बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के शुक्लापुर के पास आमने सामने हुई जोरदार दो बाइकों की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया और घायल महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। श्रावस्ती जनपद के थाना गिलौला क्षेत्र में देखते ही देखते कस्बे का माहौल अचानक बदल गया। चारों तरफ लाठी डंडे समेत पत्थरबाजी होने लगी। दो गांव के सैकड़ों की संख्या में लोग एक दूसरे पर जानलेवा हमला करने लगे। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई और एक घर को निशाना बनाते हुए उपद्रवियों ने जमकर पथराव किया और मकान के शीशे तोड़ दिए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी थानों से मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत किया। फिलहाल स्थिति को पुलिस ने नियंत्रण में कर लिया। कस्बा गिलौला में आज सुविधा के कुछ लड़के आए हुए थे, वो गिलौला के कुछ लड़कों के साथ में पुरानी रंजिश को लेकर के आपस में कुछ मारपीट कर लिए थे। जैसे सूचना मिली तत्काल फोर्स मौके पर पहुंच गए थे, हम लोग आ गए थे और यहाँ पूरी तरह से शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आए थे, जो लड़ाई कर रहे थे, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रहा है। बलिया के बांसडीह में अपनी पत्नी के लिए दवा लेने गए एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसे गौ तस्करी में फंसाने की कोशिश की जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि पति से मिलने कोतवाली पहुंची महिला को इंस्पेक्टर ने गाली देकर भगा दिया। महिला को भी दूसरे मामले में फंसाने की धमकी दी गई। ₹7,000 मोबाइल क्या हुआ? उत्तर प्रदेश के हापुड़ में किसी कारण को लेकर एक व्यक्ति ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या करने की कोशिश की। आत्महत्या की सूचना पर पुलिस ने गंभीर अवस्था में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां पर उसकी हालत गंभीर होने पर आनंद फानंद में डॉक्टर ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। जो एक पेशेंट आया था, ये डायल 112 लेके आई थी, अजय कुमार नाम का पेशेंट है, कटराने का, और इसकी उम्र करीब 48 साल है। तो ये प्रथम दृष्ट का जो इसका लड़का आया है उसने बताया है कि इसने सरफास खाई है, सरफास पॉइजनिंग का केस है। तो हमने इसको जो है प्राथमिक उपचार देने के बाद में इसको मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। यूपी के कौशाम्बी में निर्धारित क्षेत्र से हटकर अवैध खनन करना दो पट्टे धारकों को महंगा पड़ गया। सरायकेला थाना क्षेत्र के दिया और छेकवा बालू घाट पर सीमा से हटकर अवैध तरीके से बालू खनन की शिकायत जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा को मिली थी। डीएम के निर्देश पर खनन अधिकारी आरपी सिंह ने मौके पर जाकर घाटों का औचक निरीक्षण किया तो छेकवा घाट पर आवंटित खंड से 7600 घन मीटर और दिया घाट पर आवंटित खंड से 3816 घन मीटर पर बालू का अवैध खनन किया जा रहा था। डीएम के निर्देश पर खनन अधिकारी ने गाजियाबाद के ऋषभ हर्बल प्राइवेट लिमिटेड के मालिक अरुण कुमार और चायल तहसील के मनोरी के जय बजने की ट्रेडर्स के मालिक पंकज कुमार पर 40-40 लाख रुपए का जुर्माना ठोका। उसमें अपने एरिया से हट के खनन किया था तो उसको दोनों घाटों को नोटिस दिया गया है, तो लगभग 40-40 लाख रुपए का, और उसमें जाँच कराई जा रहा है, जो भी उसमें तथ्य सामने आए उसके अनुसार नियमन कार्रवाई की जाएगी। जालौन में एवेनेजर पब्लिक स्कूल लौना रोड में विज्ञान प्रदर्शनी एवं बाल मेले का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के कक्षा 4 और कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों ने हर्षोल्लास के साथ और सूझबूझ के साथ अपने अपने विज्ञान मॉडलों को प्रदर्शित किया। सभी छात्र छात्राओं ने अपने मॉडल गुरुजनों और अभिभावकों के सामने पेश किए। तो आपने देखी उत्तर प्रदेश की खास खबरें, क्या कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ठीक इसी तरह की बाकी खबरों के लिए और उत्तर प्रदेश की तमाम जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।